ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के दो मामले सामने आए हैं। इसी बीच राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के चार सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में भी शुक्रवार को ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के दो मामले सामने आए, लेकिन दोनों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। महाराष्ट्र ने कोरोना नियमों को सख्त करते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार अब तक के हालात पर बैठक कर रहा है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे। देश में पिछले 24 घंटे में आज स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सीएम बसवराज बोम्मई बैठक करेंगे। इससे पहले सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से बात की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,216 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 8,612 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.35% है। वहीं 391 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक कुल 3,40,45,666 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 125.75 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कहर बरपा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर लेवल एक स्टेज का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पिछले 24 घंटे में भी 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती दिख रही है।